साहब हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के अम्बेसडर रियाज फोकट साहब की वहां से छुट्टी हो गई थी क्योंकि उन्होंने स्वीट स्कैंडल के ऊपर थोड़े से एतराज किए थे। और पिछले साल आपको याद होगा कि जनरल असेंबली के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको साथ में बिठा लिया था, और इस दफा भी ठीक है, एक तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है और उनका ये मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफिशियल एफआईआर की उस एफआईआर की रिपोर्ट के अंदर रहमान मलिक साहब ने नाम दिया हुआ है और ये उनके फ्रंट मैन के तौर पर बयान किए गए हैं। तो चले मान लेते हैं कि वो बातें सबूत वो जो है ना आगे केस पहुंचा नहीं, मगर कैसे आप एक जाती दोस्त को आप ऑफिशियल मीटिंग में लेके जाते हैं कि उनको जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो श्रीलंका के साथ सदर के साथ मीटिंग थी उसमें भी साथ में बिठाया हुआ था, फिर जब वो सेक्रेटरी जनरल यूएन को गए उनको फिर साथ के ले गए, तो ये एक सरकारी तकरीबात में एक जाती दोस्त को जो कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा हो, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बड़ा इनका जो तर्ज अमल है वो बड़ा ही एक बादशाहत वाला है कि मोदी की तस्वीरें भी फोकस्ड आ रही हैं, बिजनेस ओरिएंटेड आ रही हैं और यहाँ पे वो खाबों की सेल्फियां बना रहे हैं लोग और वो आगे खाने पड़े हुए हैं और ये साथ ये सही शेख साहब बैठे हैं, तो ये इमेज आ रहा है जो कि बड़ा ही एक पाकिस्तान के लिए एक बेइज्जती की बात है।